बताए थे एक मारे तो नींद आवत जे खारा बोलती नहीं हो तुम सब कोई हां एक मारे नींद आवत अरे नैनन का कसूर याद तेरे आवे की सांवरिया याद तेरी आवे की सांवरिया याद तेरी आवे की सांवरिया याद तेरी आबेगी वही केवट भगवान श्री राम से कहता है प्रभु मैं तुम्हारा मरम जान रहा हूँ मैं तुम्हारे पास में अपनी नौका को नहीं ला सकता हूँ कहा तुम्हार मरम में जाना महाराज मैं तुमको अपनी नौका में कदापि नहीं बिठा सकता हूँ क्योंकि महाराज मैं खुद आप अभी अपने आंखों से देख रहा हूँ ना जिधर से तुम आ रहे हो मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ और एक शिला में एक पत्थर में तुमने अपना पैर छुआ दिया वो शिला एक सुंदर सी नारी बन गई महाराज सुनो आपके इन चरणों में जो धूल लगी है ना इस धूल में चरणों में तुम्हारे जादू है और जब तुम्हारे चरणों को छू करके शिला जब नारी बन सकती है तो महाराज जब आपके पैर मेरी नौका में आएंगे क्या मेरी नौका नारी नहीं बन सकती महाराज ना आपके चरणों में जादू है मैं तुमको मैं अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा महाराज बार बार भैया केवट से राम कहते हैं भैया केवट पार कर दो पार जाना है पार कर दो लेकिन ना केवट कहने लगा महाराज सुनो अगर तुम्हें पार जाना है इधर माँ भवानी फिर कहने लगी महाराज भगवान श्री राम अगर चाहते तो गंगा जी को पार कर सकते थे केवट से नाव को क्यों मांगा शंकर भगवान कहने लगे तो बोलो देवी कैसे पार कर सकते थे तो माँ भवानी कहने लगी महाराज सुनो इस प्रकार से पार कर सकते थे कैसे कि लक्ष्मण की अंगुली कह लेते अरे सीता का गोदी लई लेते माँ भवानी कहती महाराज अंगूर लक्ष्मण की अंगूरी गही लेते और सीता का गोदी लई लेते और इतई उठाई उतई धरी देते लक्ष्मण जी की अंगूरी को पकड़ लेते सीता जी को गोद में ले लेते इधर से उधर कर सकते थे ऐसा क्यों नहीं किया भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है वहां पे भगवान को कोई देख रहा है कौन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया वहां पे भगवान को कोई देख रहा है कौन कौन अरे ऊपर तपी रहे सूर्य करारे अरे ऊपर तपी रहे सूर्य करारे अरे साथ में बाबा लगे हमारे ऐसा क्यों नहीं किया राम विचार करते हैं अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो यहाँ पे हमें कुछ लोग देख रहे मेरे बुजुर्ग देख रहे कौन ऊपर तपी रहे अरे सूर्य करारे और जो साख में बाबा लगाई हमारे जो सूर्य भगवान है भगवान के राम के बाबा लगते हैं साख में और दादा बाबा के सामने पोता बाबा के सामने दादा पोता और अपने घरवाले के लेके कनिया में कहलावत घूमे क्या होगा बाबा के सामने पोता
अपने घरवाली को लेकर के गोद में दादा घूमे, ऐसा कोई करेगा? इसीलिए मेरे भाई भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, हमें पाप लग जाएगा, हमें दोष लग जाएगा। ए मेरे भाई, इसीलिए बार बार केवट से भगवान राम कहते भैया पार कर दो। केवट कहने लगा महाराज तुम्हें पार तो कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जो तुम्हारे चरणों में धूल लगी है पहले मैं तुम्हारे चरणों की धूल को धोऊंगा, उसके बाद में मैं तुमको अपनी नौका में बिठाऊंगा। क्योंकि महाराज जब आपके चरणों से जब पत्थर नारी बन सकती है तो मेरी नौका भी नारी बन सकती है। क्यों महाराज? मैं दो दो नारी नहीं रख सकता हूँ, मैं दो दो नारी नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में एक नारी विराजमान है। महाराज क्यों परेशान कर रहे हो? अरे आज कहता है केवट महाराज, अरे एक को नाथ खिलाई न पावो, केवट कहता महाराज सुनिए, अरे एक को नाथ खिलाई न पावो, एक को नाथ खिलाई न पावो, धर्म झगड़ा अहुर बढ़ावो, धर्म झगड़ा अहुर बढ़ावो। केवट कहता है महाराज मेरे घर में एक नारी विराजमान है, जब मैं दूसरी नारी लेकर के घर को जाऊंगा तो महाराज क्यों परेशान कर रहे हो? एक को नाथ खिलाई न पाओ, घर में झगड़ा और बढ़ाओ। जब महाराज हमारे घर में दो दो नारियां होंगी, और दादा जिन लोगों के घरों में दो नारियां हैं उनसे बोझो घर में क्या होता है दादा। हाँ जिन लोगों के घरों में दो नारियां हैं, गौर करना। आज मेरे भाई आज भगवान श्री राम केवट से कहते हैं भैया ये बात है मेरे चरणों को धोओगे? हाँ महाराज, जब तक तुम अपने चरणों को नहीं धुला लोगे तब तक मैं नौका में नहीं बिठाऊंगा। क्योंकि महाराज आपके जब चरण मेरी नौका में आएंगे तो मेरी नारी भी पत्थर बन नारी बन जाएगी पत्थर। मेरे भाई गौर करना, आज भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं, बोलो भैया लक्ष्मण क्या होना चाहिए? लक्ष्मण से और सीता से क्यों पूछते हैं पैर धुलाएं या ना धुलाएं दादा? अरे पैर तो भगवान राम के हैं दादा, लक्ष्मण से क्यों पूछते हैं, सीता से क्यों पूछते हैं? समझने की बात। राम लक्ष्मण से और सीता से क्यों पूछते हैं पैरों को धुलाऊं या ना धुलाऊं? क्यों? जिस समय भगवान श्री राम ब्याह करके अयोध्या नगर में आए तो लक्ष्मण जी अपने भैया राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सीता ने देख लिया, लक्ष्मण को धुतका दिया, हटो बस आज से तुम्हारी सेवा बंद, आज से मैं आ चुकी हूँ अपने स्वामी की खुद सेवा करूंगी। दोनों लोगों में लड़ाई होने लगी। लक्ष्मण जी कहने लगे नहीं मैं अपने भैया राम की बहुत दिन से सेवा करता हूँ। सीता जी कहने लगी करते थे तब करते थे लेकिन अब बंद करो, अब मैं खुद आ गई हूँ। तो भगवान राम ने फैसला किया था आज से एक पैर की सेवा सीता करेंगी और एक पैर की सेवा मेरा अनुज लक्ष्मण करेगा। वही आज राम को याद आ रहा है कि अगर मैं इस केवट से कह दूं धुलने को, क्योंकि पैरों पे मेरे पैरों पे मेरा ही वो नहीं है। बार बार केवट से लक्ष्मण से सीता से कहते बोलो क्या धुलाऊं? सीता जी कहने लगी स्वामी अब तो धुलाना ही होगा। मेरे भाई केवट से कहते हैं भगवान श्री राम भैया केवट अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो धो लीजिए। केवट कहने लगा महाराज धोने की तो बात बस यही है, जब आपके चरण मेरी नौका में आएंगे तो हमारी ये नौका नारी बन सकती है महाराज, और दो दो नारियों का मैं पेट नहीं चला सकता हूँ। मेरे भाई आज केवट से कहते हैं भैया जाओ केवट मेरे चरणों को धो लीजिए। आज केवट मेरे भाई बड़ा ही आनंद है, एक कठौते में जल करके भर के लाया है। केवट कठौते में जल भर के लाया है और भगवान राम के चरणों को धोता है कठौते में। कि केवट राम रजाय सुपावा, अरे पानी कठौता भरी लई आवा। केवट
राम रजा यश पावा। अरे पानी कठौता भरी लई आवा, केवट कठौते में जल भर के लाता है, भगवान श्री राम के चरणों को धोता है। केवट होशियार कितना है मेरे भाई, कितना होशियार, जब तक भगवान राम का एक चरण केवट धोता है तब तक दूसरे चरण में धूल लग जाती है भगवान राम के। केवट बार बार वो कहीं चरण धोता है कहीं वो, जब तक एक चरण को धोता है दूसरा चरण नीचे रख देते हैं धूल लग जाती है। भगवान राम से केवट कहने लगा, महाराज क्यों परेशान कर रहे हो, एक मैं पैर तुम्हारा धो होता हूँ दूसरे में धूल लगा लेते हो, केवट होशियार कितना है। केवट कहने लगा, सुनिए प्रभु ऐसे नहीं बनेगा, जो तुम्हारे हाथ है ना, जो तुम्हारे हाथ है ये हमारे सर का सहारा ले लो, जो तुम्हारा एक पैर कठौते में और महाराज एक पैर अपना पीछे टांगो, एक पैर अपना पीछे टांगो महाराज गिरने नहीं दूंगा, जो तुम्हारे ये हाथ है ना ये हमारे सर पे रख दो सहारा ले लो। केवट कितना होशियार है, विचार करने लगा अगर भगवान के दोनों हाथ हमारे ऊपर आ जाएं तो हमें तो सब कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। हे मेरे भाई ऐसा ही किया भगवान राम ने, बड़े प्रेम के भाव में केवट आज मल मल करके भगवान श्री राम के चरणों को धोता है। आज अपनी नौका में केवट भगवान श्री राम को बिठाता है, आनंद है, कहीं इधर धार में ले जाता है कहीं उधर ले जाता है, गाता है कि मेरी नैया में होए, मेरी नैया में राम जी सवार हो, गंगा मैया धीरा बहो, राम जी सवार हो, गंगा मैया धीरा बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे मेरी नैया में होए, मेरी नैया में होए, मेरी नैया मेरा राघव सवार गंगा मैया धीरा बहो, मैया मेरा आज केवट बड़ा ही आनंद है। आज भगवान श्री राम को गंगा जी के पार को करता है, भगवान श्री राम ने केवट को बड़ा ही आशीर्वाद दिया। ए मेरे भाई अब आप लोगों का समय भी हो चुका है, अब इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी विश्राम की जाएगी। अब आप सभी लोग एक दो भजनों का आनंद ले लीजिए और तत्पश्चात प्रसाद लेकर के तभी सभी लोग जाएंगे। भैया नहीं तो कसाई हाँ जाए तो यो पति और इस संसार में जो आया है उसको जाना ही होता है। कल आप लोग पता नहीं कहाँ होंगे और हम पता नहीं कहाँ होंगे, कहते हैं सुबह तो चले जाएंगे भैया कुछ रोते कुछ हंसते, अरे सुबह तो चले जाएंगे भैया कुछ रोते कुछ हंसते, अरे भैया बहना तुम सबसे मेरी प्रेम भरी है नमस्ते हाँ भैया बहना तुम सबसे। नाम हमारो अजय सिंह है मिश्री सीतापुर से, अरे नाम हमारो अजय सिंह है मिश्री सीतापुर से, अरे भैया बहना हम तुमको सबसे है भरी नमस्ते हाँ भैया बहना। इस संसार में जो आता है उसको जाना ही होता है, दुख तो सभी लोगों को होता है मेरे भाई। एक दिन के लिए हम और आप लोग एक पास में हो जाएं, अगर विचरण हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन हमारे भैया लोग यहाँ से कथा से उतर करके जाते थे, सारी सारी रात मेरे भैया लोग मेरे पास में समय देते हैं। ऐसा गांव हम लोगों को हर जगह पे नहीं मिलता है,
बड़ा ही आभारी है अपने ग्राम बंजरिया के भैया लोगों के लिए, नंदराम भैया जी के लिए, पाचू भैया जी के लिए। और चलते चलते कहते हैं भैया जी की एक फरमाइश आई है विदाई गीत सुनने की। ज्यादा कुछ ना करते हुए आइएगा, एक छोटा सा विदाई गीत है और इस विदाई गीत को मैंने जो हमारे द्वारा गाये गुए सोहर सरिया भजन भैया लोग देखते हैं, आज से आप लोग एक कंपनी से हमारे द्वारा गाए हुए भजन और पाएंगे माला वीडियो से, जो आप लोगों का ये पावन नगर में वीडियो चल रहा है, बन रहा है, ये माला नाम से आप लवली के नाम से आप सभी लोग देख सकते हैं, लवली के नाम से। या तो मेरा नंबर कॉन्टेक्ट नंबर 76074 24560, या तो मेरा नाम बोलिएगा, मेरे गाए हुए सारे भजन आप सभी लोग, जिन भैया मैया लोगों को, भक्त लोगों को कथा का अनुष्ठान कराना हो, राम कथा करवाना हो, जागरण पार्टी भी मैं आप लोगों की कृपा से करता हूँ, चलाता हूँ। तो जिन भैया लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है, तो बस आप लोगों का मेरे लिए बस एक फोन ही काफी है।